खंडवा जिले के मुंदी नगर के शिवपुरी मोहल्ले में स्थित पंकज डोंगरे के निज निवास स्थल से शनिवार को 240 वर्ष पुरानी बाबा छड़िया लेकर बाबा के शिष्य नाग मंदिर पहुंचे। वहीं नाग देवता के अभिषेक के बाद पूजन किया गया। वहीं छड़ी ले जाते वक्त शासन के निर्देश अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ध्यान रखा गया। वहीं राजेंद्र डोंगरे ने इस छड़ी की पूरी जानकारी दी है। मुंदी से शाहरुख मंसूर की रिपोर्ट। आज नागपंचमी का पर्व मुंदी में आज तीन दिवसीय पर्व आज से चालू हुआ है। कल चतुर्थी थी, कल चतुर्थी को शाम को पाठ पूजा हमारे यहाँ चालू हुई, जिसमें बाबा की सवारी का आगमन हुआ और आज सुबह 9 बजे नाग मंदिर नागमोतिया मंदिर है वहाँ पर यहाँ से छड़ी निकलती है, जिसमें हमारे सब चेले लोग भी आते हैं, वो साथ में जाते हैं और आज का दिन मतलब बाजे गाजे जाके दिन भर आज चलता है कार्यक्रम। बाबा के नाम से नाग देवता के नाम से नागपंचमी पर्व मनाया जाता है। शाम को फिर मथवाड़ गायन भी होगा और कल फिर यहाँ पर पूजा प्रसादी भंडारा किया जाएगा। ये करीबन लगभग पुरानी 240 साल पुरानी गाड़ी है, जहाँ पर खंडवा से मुकुंदराम महाराज मंडलोई परिवार नागर समाज के थे, उनको रात में बाबा ने दर्शन दिए तो यहाँ से खिड़किया से 8 किलोमीटर दूर पर एक पहेड़ गांव है, वहाँ पर श्याणी नदी है। श्याणी नदी में बाबा को दर्शन दिए, बाबा ने उनको मतलब छड़ी के रूप में साथ में आए और ये उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे जो भी नागमोतिया जो भी चेले बनेंगे वो एक चाटे में सर्प दस को उतार देंगे। उसी परंपरा को आज निभाते हुए 240 साल से करीबन लगभग हमारे यहाँ की 400 छड़ियाँ पूरे महाराष्ट्र में, MP में और अन्य जिलों में, प्रदेश बाहर प्रांतों में भी गई है और आज भी हमारे चेले किसी को अगर सर्पदस की वो हो जाती है तो उज्जैन में हमारे सर पर कुछ चेले हैं जो मोबाइल टेलीफोन से भी सर्प उतार रहे हैं। इसी प्रकार आज कार्यक्रम कर रहे हैं हम, और हमारे उत्तराधिकारी मुकुंदराम महाराज के उत्तराधिकारी के रूप में वो छड़ी फिर हमको यहाँ पर मुंदी दी और उसी प्रकार आज मुंदी में हम लगभग 240 साल से पीढ़ान पीढ़ी जिस प्रकार पूजा होती जा रही है उसी प्रकार पूजा करते जा रहे हैं और सब भगवान का आशीर्वाद भी है, बाबा का आशीर्वाद है यहाँ पर। इस पुराने मैं मुंदी गुरुगादी से हूँ और राजेश कुमार डोंगरे, और करीबन लगभग मेरे यहाँ से चार पीढ़ी लगभग हो गई है और आज का दिन 3 दिन का पर्व हम बिल्कुल धूमधाम से मनाते हैं और बाबा का आगमन होता है और कल शाम को भंडारा प्रसाद होने के बाद में सवारी विसर्जित होगी बाबा की और कल चतुर्थी से सवारी का आगमन होता है। 3 दिन का कार्यक्रम मनाया करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।